सभी का मिस्टर फोन हिंदी में, मेरा नाम है पौरुष और आज हम बात करने वाले हैं रियलमी टीवी के बारे में। जी हाँ, रियलमी टीवी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा सरप्राइज पैकेज है रियलमी की तरफ से हम सबके लिए। और इस टीवी के बारे में काफ़ी सारी न्यूज़ हमें सुनने को मिल रही है और माना जा रहा है कि बहुत ही जल्द हमें ये टीवी देखने को मिल सकता है इन द स्टोर्स एंड ऑन द वेबसाइट फॉर सेल। बहुत जल्दी ये टीवी लॉन्च हो सकता है भारत में और यहाँ पे हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि क्या ऐसे फीचर्स हैं जो हम एक्सपेक्ट करते हैं रियलमी टीवी से, खासकर आजकल जब शाओमी, नोकिया और कई सारे ऐसे कंपनीज हैं जो 30,000 से 20,000 से 30,000 के बीच में 4K HDR TVs सेल कर रही हैं एंड दे आर प्रीटी गुड टेलीविजन फॉर द प्राइस। तो डेफिनेटली यहाँ पे ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि रियलमी किस तरह के फीचर्स ऑफर करेगा अपने टेलीविजन में। और यहाँ पे चलिए हम डिस्कस करते हैं कि क्या फीचर्स होने चाहिए Realme के आने वाले टेलीविजन्स में। बाय द वे, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो लाल सब्सक्राइब वाला बटन दबा दे, बेल आइकन पर टैप कर दे ताकि आपको हमारी नई वीडियोस के सारे नोटिफिकेशंस मिल जाए। और अब हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये टीवी Realme टीवी कम से कम 3 साइजेस में लॉन्च होना ही चाहिए, 32 इंच, 43 इंच और 55 इंच। अब ज़्यादातर हमने देखा है कि जो 32 इंच वाले वेरिएंट्स होते हैं टीवी के, उनमें आपको HD रेजोल्यूशन देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि Realme थोड़ी सी लीड ले सकता है व्हेन इट कम्स टू सेलिंग 32 इंच टीवीज By giving full HD resolution। अगर full HD 1080p resolution वाला TV हमें यहाँ देखने को मिले, full HD panel वाला TV यहाँ हमें देखने को मिले 32 इंच के साइज में, तो ये काफ़ी अच्छी बात होगी। 43 इंच और 55 इंच वाले वेरिएंट्स की बात करें तो यहाँ पे हम 4K रेजोल्यूशन विद HDR डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर HDR के साथ डॉल्बी विजन मिल जाए तो वो तो बहुत ही कमाल की बात हो जाएगी। ये HDR और डॉल्बी विजन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 55 इंच यानी कि जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट होगा Realme TV का, उस वेरिएंट में हम ये दोनों फीचर्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 43 इंच में एटलीस्ट हम 4K HDR TV तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं, क्योंकि आजकल ऑलमोस्ट हर कोई 43 इंच का जो साइज है उसे प्रेफर करता है व्हेन इट कम्स टू बाइंग अ न्यू टेलीविजन। 43 इंच एक ऐसा साइज है जो ना ज्यादा बड़ा है ना ज्यादा छोटा है, इट फिट्स परफेक्टली इन योर रूम और काफी मजा आता है 43 इंच के टीवी पर भी। तो डेफिनेटली यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 43 इंच के टेलीविजन में हमें 4K HDR रेजोल्यूशन देखने को मिले एंड 4K HDR विद डॉल्बी विजन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 55 इंच के वेरिएंट में। अब दोस्तों, दूसरा फीचर तो खैर न्यूज़ आ चुकी है इस बारे में कि Realme का ये जो टीवी होगा उसमें एंड्रॉयड प्रेजेंट होगा, एंड्रॉयड टीवी होगा ये। अभी हाल ही में इस टीवी को एंड्रॉयड सर्टिफिकेशन भी मिला है एज पर अ लीक, तो यहाँ पे हम डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड्रॉयड 10 विद गूगल असिस्टेंट सपोर्ट ऑन Realme TV। गूगल असिस्टेंट सपोर्ट होना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि Xiaomi अपने टेलीविजन में गूगल असिस्टेंट का सपोर्ट देता है, तो डेफिनेटली यहाँ Realme को भी अपने एंड्रॉयड टीवी में गूगल असिस्टेंट का सपोर्ट देना चाहिए। अब दोस्तों, बात कर ले अगर प्री इंस्टॉल्ड एप्स के बारे में, तो यहाँ पे हम वैसे तो ये एंड्रॉयड टीवी होगा, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ एंड्रॉयड टीवीज में आपको मान लीजिए नेटफ्लिक्स और प्राइम मिल रहा है लेकिन हॉटस्टार नहीं मिल रहा है, या फिर हॉटस्टार और प्राइम वीडियो मिल रहा है लेकिन नेटफ्लिक्स नहीं मिल रहा है। और अगर आप उस टीवी के गूगल प्ले स्टोर पर जाके सर्च करें तब आपको वहां पर भी वो ऐप नहीं मिलेगी, आपको उसे साइड लोड करना पड़ेगा या फिर फायर टीवी स्टिक परचेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑब्वियसली Realme चाहेगा कि लोग फायर टीवी स्टिक जैसी डिवाइसेस पर कम रिलाय करें और ज्यादा से ज्यादा जो प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस है वो उन्हें Realme TV में ही मिले। तो यहाँ पे डेफिनेटली हम ये चाहेंगे कि नेटफ्लिक्स, प्राइम और हॉटस्टार, ये ऐप्स, एटलीस्ट ये 3 ऐप्स तो डेफिनेटली प्री इंस्टॉल्ड होनी चाहिए इन Realme TV। अब दोस्तों, ऑडियो के बारे में बात करें तो यहाँ पे हम डेफिनेटली 20W का स्पीकर आउटपुट, 20W का ऑडियो आउटपुट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं Realme की तरफ से, और DTS HD Dolby Audio ये सारे सर्टिफिकेशंस का भी सपोर्ट होना चाहिए टीवी में। 32 इंच का जो वेरिएंट है उसमें DTS HD का सपोर्ट हो, 43 इंच और 55 इंच वाले वेरिएंट्स में हम Dolby Audio भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अब जैसे अभी Nokia TV कुछ ही टाइम पहले लॉन्च हुआ था लेकिन उस टीवी में आपको Dolby Audio का भी सपोर्ट मिलता है। माना कि उसमें एक एडिशनल साउंड बार भी है फ्रॉम JBL, बट यहाँ पे डेफिनेटली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं Realme की तरफ से कि अगर वो हमें Dolby Audio और DTS HD दोनों का सपोर्ट दे, DTS सराउंड साउंड का, तो डेफिनेटली काफ़ी मज़ा आएगा लोगों को अपना फेवरेट कॉन्टेंट कंज्यूम करते समय
ऑन Realme TV। अब अगर पोर्ट्स की बात करें तो यहाँ पे जिस तरह Xiaomi अपने टीवीज में 3 HDMI, 2 USB पोर्ट, एक हेडफोन जैक पोर्ट ये सब कुछ देता है, उसी तरीके से यहाँ हम Realme TV में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें 3 HDMI, 2 USB, एक हेडफोन पोर्ट ये सब कुछ मिलना चाहिए, हेडफोन जैक मिलना चाहिए। यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि HDMI ARC और SPDIF ये दोनों पोर्ट्स हमें मिलने चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास जो ऑडियो डिवाइस है, जैसे कि अगर आपके पास कोई साउंड बार है तो उसमें HDMI ARC का सपोर्ट नहीं है लेकिन SPDIF है, और आपको अगर SPDIF के थ्रू कनेक्ट करना है तो आपके टीवी में भी SPDIF पोर्ट होना ही चाहिए। HDMI ARC का भी सपोर्ट अगर हो तो वो भी बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि HDMI ARC की मदद से विद द हेल्प ऑफ अ सिंगल वायर आप अपनी ऑडियो डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं विद योर टेलीविजन। आपको कोई एक्स्ट्रा वायर यूज करने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपली एक HDMI 1.4 यूज करना है, HDMI 1.4 केबल, और उसे आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं अपने टीवी के HDMI ARC पोर्ट से अपने ऑडियो डिवाइस के HDMI ARC पोर्ट पर, तो आपको डेफिनेटली काफी बढ़िया ऑडियो आउटपुट मिलेगा, और सराउंड साउंड के लिए भी ये बहुत जरूरी फीचर है। अब दोस्तों एक चीज ऐसी है जो Realme ने प्रॉमिस करी है और डेफिनेटली यहाँ पे हमें काफी ज्यादा एक्साइटमेंट है इस फीचर को लेके, और वो है लैंग्वेज सपोर्ट। Xiaomi अपने टीवीज में ऑलरेडी लैंग्वेज सपोर्ट दे रहा है, मल्टीलिंगुअल यूजर इंटरफेस का सपोर्ट है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम Realme से भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि काफ़ी सारी इंडियन लैंग्वेजेस का सपोर्ट हमें मिलना चाहिए, एटलीस्ट शुरुआत में 4-5 लैंग्वेजेस का सपोर्ट मिल जाए, उसके बाद विद सॉफ्टवेयर अपडेट्स और भी कई सारी लैंग्वेजेस ऐड करी जा सकती हैं। और क्योंकि Realme ने शुरुआत में ही कहा था कि कई सारे ऐसे फीचर्स आएंगे जो इंडिया सेंट्रिक होंगे, तो यहाँ लैंग्वेज सपोर्ट का फीचर बहुत ज़रूरी है, और हम उम्मीद करते हैं कि Realme इस फीचर को इंक्लूड करना नहीं भूलेगा, हमें ये फीचर डेफिनेटली देखने को मिलेगा इन Realme TV। अब दोस्तों कनेक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पे आपको ब्लूटूथ 4.2 का सपोर्ट मिलना चाहिए, और यहाँ पे वाईफाई जो है वो 2.4 GHz और 5 GHz दोनों, इन दोनों स्टैंडर्ड्स का सपोर्ट आपको मिलना चाहिए, ताकि 5 GHz पे आप शिफ्ट करके अपनी स्ट्रीमिंग क्वालिटी को और एनहांस कर पाएं, और आपका एक्सपीरियंस बेटर करने के लिए ही आपको 5 GHz वाईफाई का सपोर्ट भी यहाँ पे मिलना चाहिए, क्योंकि Xiaomi अपने टीवीज में जो Mi TV 4X लाइनअप है उनका, उसमें आपको 5 GHz वाईफाई सपोर्ट भी मिलता है, तो यहाँ पे भी Realme TV से हम 5 GHz वाईफाई का सपोर्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों अंत में दो ऐसे फीचर जो अगर Realme TV में मिल गए तो बहुत ही कंपेटिटिव टेलीविजन हो जाएगा ये फॉर इंडियन मार्केट। सबसे पहला स्क्रीन मिररिंग, और दूसरा वो फीचर जिसकी मदद से आप अपने स्मार्टफोन को, Realme स्मार्टफोन को एज अ रिमोट यूज कर पाए फॉर Realme TV। ये दोनों फीचर्स अगर Realme ने इंक्लूड कर दिए भी अपने टीवी में तो बहुत मजेदार चीज हो जाएगी, क्योंकि बहुत कंपेटिटिव टेलीविजन हमें देखने को मिलेगा, और Realme की तो खैर शुरुआत से ही कोशिश रही है कि उसके जितने भी कंपेटिटर्स हैं, स्पेशली Xiaomi, उनसे कम्पीट करने के लिए Realme हमेशा कोशिश करता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा, आपको यानी कि कंज्यूमर्स को ज़्यादा से ज़्यादा फीचर्स मिलें। और प्राइसिंग की अगर बात करें तो यहाँ पे हम 20,000 से 30,000 रुपए के बीच एक्सपेक्ट कर सकते हैं 43 इंच वाले वेरियंट का प्राइस। जो 55 इंच वाला वेरिएंट होगा दैट कैन गो अप टू 35,000 रुपीज और गो अप टू 39,999, मतलब 40,000 से ऊपर ना जाए तो अच्छी बात होगी। जो 32 इंच वाला वेरिएंट है वो 15,000-16,000 के आसपास हो सकता है, क्योंकि 12,500 के आसपास आपको HD वेरिएंट मिल रहा है 32 इंच वाला फ्रॉम Xiaomi। और तो यहाँ पे अगर फुल HD रेजोल्यूशन मिलेगा हमें 32 इंच के टीवी में फ्रॉम Realme, तो यहाँ पे 15,000-16,000 का प्राइस बहुत बढ़िया होगा। तो दैट्स इट गाइस, ये थे कुछ फीचर्स जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं Realme TV से। जैसे जैसे न्यूज आएगी Realme TV के लॉन्च के बारे में, हम आपको अपडेट करते रहेंगे इस चैनल पर। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे जरूर लाइक करें, और हमें कॉमेंट्स में जरूर बताएं कि Realme TV से आप क्या क्या एक्सपेक्ट करते हैं, ये हमें कॉमेंट्स में जरूर बताएं। हमारे साथ अपनी राय जरूर शेयर करें, और हम आपसे मिलेंगे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन पर टैप कर दें, एंड वी विल सी यू सून। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड गुड बाय।